रोहित के साथ जो हुआ हैदराबाद से जो खबर आई वो सच में दिल दहलाने वाली है, और किसी भी इंसान को या एक कौम को एक ग्रुप को इस तरीके से हाशिए में धकेल देना जहाँ पे वो बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाए, किसी से वो डील ना कर सके और उसके मन में एक बहुत गहरी हीन भावना बैठ जाए और जहाँ जब तक वो मजबूर होता है अपने जान लेने के लिए, ये इससे दुखद कुछ हो नहीं सकता। खास करके एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जहाँ हमारा कमिटमेंट है कि हम सबको बराबरी से ट्रीट करेंगे और सबको मौका देंगे कि वो अपनी जो प्रतिभा है, अपने अंदर जो छुपा हुआ जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, संभावनाएँ हैं, उसको वो उभार सके और परिपूर्णता पे ला सके। इसी प्रकार के रिपोर्ट्स हमें अभी खिड़किया से हरदा से आई कि एक माइनॉरिटी की एक कपल वो जा रहे थे और गोरक्षा समिति के कुछ लोग आके उनके लगेज को तहस नहस किए, सर्च किए। कुछ दिन पहले यहाँ से उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट आया था 1 लाख की हत्या की। इस प्रकार की घटनाएं लगातार आदिवासियों के साथ में, आदिवासी समाज में जिस तरीके की चीज़ें हो रही है, जिन संसाधनों के को लेकर वो सालों साल जिए हैं, जिनका उन्होंने रक्षा किया, आज ऐसी शक्तियां मौजूद है जो कि उनको उनके हाथ से छीना चाहता है, और चंद लोगों के लिए जो कि ब्राह्मणवादी शक्तियाँ हैं, पूंजीवादी शक्तियाँ हैं और एक हैवानियत की शक्तियाँ हैं, उनके हाथ मजबूत करने के लिए उनके संसाधन छीने जा रहे, तो कब तक इसको हम सहन करेंगे। मुझे नाज है इसके स्टूडेंट्स पर कि आप लोगों ने इस तरीके से एकजुटता दिखाया और आप इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, करना ही चाहिए। मैं अगर चल सकती तो मैं आपके साथ चलती, लेकिन मैं नहीं जा सकती हूँ शारीरिक अक्षमताओं के लिए। मैं आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ कि जो भी हमारी लड़ाई है समानता के लिए, उसमें सब हम सब साथी हैं। देर आर नो मतलब कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हम सब साथी हैं और एक ऐसा समाज हम लाएं जिसके अंदर भी जिसके बाहर भी पूरे देश में, जिसमें छोटे छोटे तरीके से जैसे हम सब योगदान कर सकें, हम सभी लोग करेंगे, ताकि कभी ना कभी हो सकता है हमारी ज़िंदगी में, हो सकता है हमारे जाने के बाद एक ऐसा समाज आए जब ऑल ऑफ अस कैन लिव इन इक्वालिटी, रिस्पेक्टिंग ईच अदर, रिस्पेक्टिंग आर डिफरेंसेस, रिस्पेक्टिंग ऑल ऑफ अस एंड इन पीस एंड सॉलिडारिटी। उस दिन के लिए हमें जीना है, हमें लड़ना है। ऑल माई बेस्ट विशेस।